आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी जन्मतिथि का प्रोग्राम हम लोग यहाँ रखे हुए हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी और उनके जन्मतिथि का जश्न हम लोग मनाते हैं, और जब उनकी पुण्यतिथि आती है तो उस पर भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और पसमांदा मुस्लिम समाज उनके जन्मदिन पर और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम गरीब और छोटे बच्चों को कापी किताब और भी तमाम उनसे शिक्षा से संबंधित चीज़ें उनको बांट करके लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। ये संस्था वंचित समाज के लोगों के बीच जा कर के काम करती है। जिस तरीके से आज जिनके जन्मदिन के लिए आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार के अंदर उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन का जो एक उन्होंने नारा दिया, और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का नारा दे करके और सामाजिक परिवर्तन करके दिखा दिया। उन्होंने बिहार के अंदर एक छोटी सी आबादी वाले नाई सविता सेन समाज कर्पूरी ठाकुर, ये समाज एक ही समाज में आता है, ये लोग इनकी छोटी सी आबादी रहते हुए भी इन्होंने एक बहुत बड़ी राजनीतिक करवट बदली और बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। और सबसे और एक छोटे से गांव में, समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में, बिहार के समस्तीपुर जिले में एक छोटे से गांव में वो पैदा हुए और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू किया और फिर सामाजिक आंदोलन से जुड़ गए। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। इस आंदोलन के दरमियान उनको तमाम जो ऐसे सामंतवादी सोच के लोग थे उन लोगों के बीच जा करके उन्होंने अपनी बात कही तो उनको काफ़ी जलील होना भी पड़ा और काफ़ी उनको तंज किया गया, कमेंट्स किया गया, कहीं ना कहीं उनको अपने रास्ते से भटकने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी अपने पथ से डिगे नहीं, वो अपने मूवमेंट में लगे रहे, अपने आंदोलन को धार देते रहे। धीरे धीरे करके वहाँ जो बिहार का वंचित समाज था वो उनके पीछे चलने का काम किया। जिस तरीके से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर पसमांदा मुस्लिम समाज का